फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो है दाल पालक। इसे हम बिल्कुल कम तेल मसालों में बनाकर तैयार करेंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल स्वादिष्ट रेसिपी में। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सभी नए वीडियोज़ को देखने के लिए। दाल पालक बनाने के लिए हमें सबसे पहले दाल लेना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है तुअर और चने की दाल। मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप चना दाल और 1/4 कप तुअर दाल, यानी हाफ कप मैंने दाल लिया है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से धोकर और पानी में सोख कर कर रख दिया था। इसका पानी निकाल देंगे, स्ट्रेन कर देंगे और फिर इस दाल को कुकर में डालेंगे। और दाल के अकॉर्डिंग जितना दाल है, जैसे हाफ कप दाल है तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। तो फिर इसका लिड क्लोज कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 सीटी आने तक हम दाल को कुक कर लेंगे। जब दाल की सीटी निकल जाए 3 सीटी, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, कुकर को उतार कर साइड में रख देंगे। अब हमें उसके लिए पालक का मसाला तैयार करना है, तो 1 पंच पालक लेकर धोकर मैं काट ली हूँ। 2 छोटे साइज़ के ऑनियन को मैं काट ली हूँ, 1 टोमेटो मीडियम साइज़ का, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक। अब गैस की तरफ चलते हैं, तो पैन में डाल दी हूँ कुकिंग ऑयल, उसमें डाल देंगे 1 पिंच हींग और 1/2 टीस्पून जीरा। इन सबको अच्छे से 1 सेकेंड तक सौते करेंगे। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। अब मैं डाल दूंगी कटा हुआ जिंजर गार्लिक और 1 ग्रीन चिली। डाल दें और सबको अच्छे से 1 से 2 सेकेंड तक सौते करें। जब ये सारे इंग्रेडिएंट सौते हो जाए, तो उसके बाद से इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज जो हमने लिया था, और इसे भी अच्छे से कुक करेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल ना निकल जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से कुक हो गया है। और इसमें डाल देंगे फिर टोमेटो जो हमने लिया था कटा हुआ, और टोमेटो को मैसी होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टोमेटो भी अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल मैसी हो गया है। तब इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा भी कम डालेंगे हल्दी पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें कटा हुआ पालक डाल देंगे जो हमने लिया था, और पालक को इन सब के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें हल्दी का कम यूज़ किया है, क्योंकि मैंने दाल में ऑलरेडी नमक और हल्दी डाला हुआ है। तो अगर आप दाल को ऐसे ही बॉयल करते हैं, तो आप अगर उसमें नमक हल्दी नहीं डालते हैं, तो आप इस मसाले में अच्छे से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें और हल्दी भी डाल दें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे और पालक को अच्छे से कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल मैसी ना हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अब पालक बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं पालक बहुत ही अच्छे से मैसी हो गया है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ये हो गया है। तभी इसमें दाल मिक्स करेंगे, तो दाल का मैंने लीड ओपन कर लिया है। ये देखिए, अब दाल को मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसमें थोड़े थोड़े चने दाल साबुत हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप साबुत दाल नहीं रखना चाहते हैं, तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। दाल डालने के बाद ये देखिए, लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक। तो अभी दाल पक चुकी है, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दाल बनी है। तो इस दाल में एक तड़का देंगे, तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन में घी डाल दिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, आप इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं तड़के में हींग नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दाल में हींग, दाल के जो मसाले मैंने बनाए थे उसमें मैंने हींग डाला हुआ है। अब तड़का तैयार हो गया है, तो अब इसमें डाल देंगे तड़का दाल में और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दाल पालक बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे चावल के साथ या फिर रोटी के साथ। मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।